सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो चलिए बात करने वाले हैं आज सृष्टि आयुष के बारे में, और इनके बारे में काफी इस टाइम ट्रोलिंग भी हो रहे हैं, तो उस बारे में बाद में बात करते हैं। तो पहले आप ये जान लीजिए कि सृष्टि आयुष एक फेमस यूट्यूबर हैं और इनको हर कोई जानता है इनके लाइफ के बारे में, जो भी इनके लाइफ में हुआ था। और इनका एक पहला ही वीडियो वायरल हो गया था, जिसकी वजह से काफी पब्लिक का इनको प्यार मिला। तो चलिए सृष्टि के बारे में कुछ बातें बताते हैं जो बहुत लोगों को नहीं पता होगा, और काफी लोग तो हद तक तो जानते हैं। तो सृष्टि की ये दूसरी शादी है आयुष के साथ। सृष्टि की पहली शादी हुई थी और उनके शादी के कुछ साल बाद उनके हस्बैंड का डेथ हो गया। तो उसके बाद सृष्टि अपने फैमिली के साथ रहने लगी, मतलब माँ बाप के साथ रहने लगी। माँ बाप के साथ रहते रहते, मतलब आप समझ सकते हैं किसी का भी ज्वाइंट फैमिली है तो माँ बाप के साथ इंसान कितने दिन रह सकता है। तो उसके बाद सृष्टि रेंट पे रहने लगी रूम लेके, और अपना स्कूल में पढ़ाती थी। सृष्टि एक स्कूल में पढ़ाने लगी, टीचिंग का काम करने लगी। और ये जो आयुष हैं और सृष्टि के घर आते जाते थे, वहीं उनका पहचान हुआ था। और सृष्टि टीचिंग का काम बंद करके पार्लर का काम स्टार्ट कर दी, क्योंकि उनको थोड़ा दो बच्चे थे सृष्टि के पहले पति से। सृष्टि को दो बच्चे थे तो सृष्टि को पालना मुश्किल हो रहा था, कि क्योंकि खर्चे बच्चों का बहुत रहता था। सृष्टि बोल बताती थी अपने एक ब्लॉग में, बताई थी सृष्टि की उन्होंने अपने सारे गहने बेच दिए थे अपने बच्चे को पालने के लिए, क्योंकि महंगाई और उतना सैलरी तो कहीं होता नहीं है। तो सृष्टि बताई मेरे पास एक गहने नहीं थे, आज देखो मेरे पास क्या नहीं है, भर भर के है। तो सृष्टि ने अपने सारे गहने बेच दिए अपने बच्चों को पालने के लिए। तो ये जो आयुष है सृष्टि के भाई के दोस्त थे, तो सृष्टि के घर आना जाना उनका था। तो सृष्टि का कहना था कि मेरे तरफ से कुछ भी नहीं था, ये जो भी था आयुष के तरफ से था। आयुष जी मुझे पसंद करते थे, और एक दिन आयुष ने मेरे से शादी करने का प्रपोजल रखा, तो मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि मेरे पास दो बच्चे थे और जो आयुष थे वो शादीशुदा नहीं थे, उनकी ये पहली शादी थी। तो इसकी वजह से सृष्टि ने बोला कि अगर आपके माँ बाप राजी होते हैं तभी हम शादी के लिए हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि सृष्टि जानती थी ये जो समाज है एक शादीशुदा औरत और विधवा और दो बच्चों के साथ एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो उसके बाद सृष्टि की माँ ने, हाँ सृष्टि के जो माता पिता थे तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर सृष्टि की जो माँ थी उन्होंने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया और शादी के लिए हाँ कर दिया। उसके बाद जो उनके रिश्तेदार थे, सृष्टि के रिश्तेदार तो नहीं, जो आयुष के रिश्तेदार थे, उन लोग को ये शादी बिल्कुल ही मंजूर नहीं था। बहुत लोग तो सृष्टि बताती हैं कि हमसे नाता तक तोड़ दिए थे, हमसे मतलब नहीं रखते थे कि ये दो बच्चों की माँ लेके आया है, बोलती थी। इतना मुझे सुनने को मिला था और आयुष जी को भी इतना ज्यादा सुनने को मिला था, वो चीज हम बता नहीं सकते थे। काफी हमारे करीबी ही हमको बहुत ताने मारे थे और हमको छोड़ दिए थे। तो उसके बाद आयुष ने सृष्टि को अपने घर में एक पार्लर का ओपनिंग करके दिया, जिससे उन लोग का गुजारा होता था। और दो बच्चों, मतलब सृष्टि बोलती थी जो मेरी सासू माँ थी वो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, बहुत ज्यादा सपोर्ट करती थी। और उसके बाद आयुष ने पार्लर ओपन किया, पार्लर अच्छे से चलने लगा। तो पार्लर भी अच्छे से ही चल रहा था, तो उसी टाइम सृष्टि के दिमाग में आया कि क्यों ना हम लोग यूट्यूब पे रील बनाते हैं। और उन्होंने, सृष्टि जैसे ही अपने हस्बैंड से ये बात बोली, उनके हस्बैंड जो है बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ के लिए सपोर्ट करते हैं सृष्टि को, तो उनके हस्बैंड ने बोला चलो ठीक है। तो सृष्टि ने अपना एक वीडियो बनाया और उस पर काफ़ी अच्छा सबको प्यार, मतलब वो सृष्टि के वीडियो पे काफ़ी अच्छा प्यार मिला। तो उसके बाद सृष्टि ने काफ़ी दिन तक वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि उनकी सासू माँ को मतलब अफसोस, सासू माँ जल गई थी और सृष्टि उस आग को बुझाने के चक्कर में सृष्टि का काफ़ी हाथ जल गया था। और सृष्टि सच में बहुत अच्छी है, बहुत बहुत बहुत, जितनी तारीफ की जाए कम है। तो फिर सृष्टि जल गई थी, तो सृष्टि ने कुछ दिन बाद, मतलब सृष्टि इतना नहीं थी कि नहीं चलो हर चीज़ दिखाना है, तो सृष्टि ने कुछ दिन बाद वीडियो बनाया और उसने अपना हाथ वाथ ऐसे दिखाया जला वाला कि मतलब मेरा हाथ जल गया था, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बनाती थी। वो वीडियो उनकी इतनी वायरल हुई कि सृष्टि को सब लोग जानने लगे। अभी तक तो सब ठीक था, अभी को मतलब वायरल हो गया, सब चीज ठीक था सृष्टि का। अभी इस टाइम सृष्टि क्यों इतना ज्यादा ट्रोल हो रही है, आपको तो पता ही है सृष्टि को दो बच्चे हैं, तो इस टाइम उनके जो बड़े बेटे हैं यूट्यूब पे जल्दी अपना फेस नहीं दिखाते, मतलब अपने में ही रहते हैं।
तो पब्लिक का कहना है कि आप सौतेला व्यवहार करती हैं, आप एक बेटे को प्यार करती हैं, दूसरे बेटे बड़े बेटों को प्यार नहीं करती, और काफी उनको घटिया घटिया कमेंट आ रहा था, वो ज्यादा बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। तो सृष्टि ने फैसला किया कि जो भी बातें हैं मैं लाती हूँ लाऊंगी और सबको सच दिखाऊंगी, क्योंकि सृष्टि का कहना था कि जो भी कमेंट आ रहा था उससे आज नहीं कल मेरे परिवार पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा और उससे मेरा परिवार बिखर जाता है। मतलब होता है ना, नेगेटिव कमेंट हमारे दिमाग में जल्दी बसते हैं और पॉजिटिव कमेंट इग्नोर कर देते हैं। हाँ, जैसे कोई भी चीज़ रहता है बोलते हैं अरे वो ऐसी है वो ऐसी की, तो वो चीज़ें ज़्यादा सब ध्यान रखते हैं, अच्छी चीज़ें पे कम। तो सृष्टि ने हाँ उस कमेंट का मतलब कमेंट से इतना परेशान हो गया। तो सृष्टि ने कल एक ब्लॉग लाया और सृष्टि ने बोला कि आज जो भी है मैं सौतेला व्यवहार करती जो भी है सब साफ कर दूंगी। तो सृष्टि ने अपने बेटे से कहा कि आप क्यों मतलब आप YouTube पे क्यों नहीं आते, आपके छोटे भाई तो YouTube पे आते हैं, आपको क्यों? तो बोला कि देखो ऐसी कोई बात नहीं, मुझे ये सब पसंद नहीं है और मुझे ज़्यादा चहल पहल, मुझे ज़्यादा अकेला रहना ही पसंद रहता है कि मैं हर चीज़ें दिखाऊं, सब कर रहे हैं चलो ठीक है मुझे नहीं पसंद। तो सृष्टि की माँ ने यही बोला कि देखो जब मेरा बेटा ही नहीं आना चाहता तो मैं उसको ज़बरदस्ती घसीट के नहीं हर चीज़ में शामिल कर सकती, छोटे बेटे को मेरे शौक है वो करता है। और आप लोग ने देखा होगा मेरा छोटा बेटा कभी पढ़ते नजर नहीं आता लेकिन मेरा बड़ा बेटा हमेशा पढ़ाई में लगा रहता है, तो क्या आप लोग ये चीजें नोटिस किए हैं? तो सृष्टि ने बोला कि देखो जो भी है फैमिली के ऊपर आप लोग मत आओ, जो भी है मेरी वीडियो नहीं पसंद आती या मेरी कुछ हरकतें नहीं पसंद आती तो आप लोग उस पे जरूर बोलो, लेकिन बच्चों को लेके फैमिली पे उंगली उठाएंगे तो उससे हमारा परिवार टूट सकता है। और सच बोलो तो उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी है, उनकी सासू माँ बहुत अच्छी है, आयुष भी बहुत सपोर्ट करते हैं, मतलब इतना सपोर्टिंग हस्बैंड नहीं मिल सकता और सृष्टि को एकदम बच्चे की तरह उनके हस्बैंड रखते हैं, ये चीज़ तो बहुत अच्छी लगती है। हर चीज़ में आयुष साथ देते हैं, मतलब देखो बहुत पति लोग होते हैं ना कि हर चीज़ में नहीं थक गई ये वो, मगर सृष्टि के जो पति हैं वो हमेशा तैयार रहते हैं कि तुम सृष्टि आगे बढ़ो। आजकल के ज़माने में ऐसा पति देखने को बहुत कम ही मिलेगा, तो मेरे हिसाब से सृष्टि और आयुष परफेक्ट यूट्यूबर हैं, कभी गलत चीज़ें नहीं दिखाते ना फैमिली को लेके ना किसी को। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, सृष्टि आपको कैसी लगती है, उनका फैमिली कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए ज़रूर कमेंट करिएगा। आपको किस टॉपिक पे वीडियो देखना है ज़रूर बताइएगा, हम उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो लाएंगे और अपना 100% देने का कोशिश करेंगे कि क्योंकि आप ही लोग हैं जो हमें ग्रो करवा सकते हैं, हमें नीचे ला सकते हैं, तो आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।